नमस्कार। सबसे बड़े दंगल में लगातार न्यूज 18 इंडिया के साथ आप बने हुए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में आज सातवें और आखिरी चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 59 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक करीब 7% मतदान हुआ है ओवरऑल इन 59 सीटों पर। बिहार में 11%, मध्य प्रदेश में 7%, यूपी में 6%, पश्चिम बंगाल में 11%, झारखंड की 3 सीटों में 13% मतदान हुआ है। लगातार ग्राउंड जीरो से इन 59 सीटों पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि आज के इस मतदान के बाद आप शाम 4 बजे से सबसे बड़ा एग्जिट पोल देखने वाले हैं न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन इस बीच आखिरी चरण में मतदान को लेकर कैसी हलचल है, आइए अपने रिपोर्टर्स का रुख करते हैं। मैं आपको जल्दी से बता दूं, इस बार बंगाल की 9 सीटें काफी अहम रहने वाली है आखिरी चरण में। कोलकाता उत्तर से आशिका सिंह हमारे साथ हैं, उधर डायमंड हार्बर से आप देख पा रहे हैं अमित सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इधर आप देख सकते हैं भटिंडा से जहां हरसिमरत कौर बादल चुनावी मैदान में, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं। फरीदाबाद के एक बूथ पर जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं जहां पर वोटिंग दोबारा से हो रही है। और यहां तस्वीरों में मैं मोहित को भी देख पा रही हूं, अब हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ गए हैं पटियाला से, मोहित मल्होत्रा। सबसे पहले आशिका, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए आखिरी चरण में हमने देखा प्रचार में टीएमसी और बीजेपी के बीच कितनी तल्खी आई। अभी आप जहां मौजूद हैं कोलकाता उत्तर में, वहां मैं देख पा रही हूं पीछे मतदाताओं की लाइन दिखाई दे रही है। कैसा माहौल, कैसा मूड दिखाई दे रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो मैं नेहा आपको ये बता दूं कि इस समय मैं कोलकाता दक्षिण में हूँ, ये ममता बनर्जी की सीट है, मैं कोलकाता उत्तर के बिल्कुल पास ही हूँ। ममता बनर्जी यहाँ से 7 बार जो है जीत चुकी हैं, वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई है। और इनसे अगर हम बात करना चाहें तो क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज़ हैं चुनाव के, इस बार विकास है कुछ और है? आई एम नॉन पॉलिटिकल पर्सन। तो यहाँ वोट देने लोग आए हैं लेकिन नॉन पॉलिटिकल खुद को बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो हिंसा की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। भाटपाड़ा में कल रात को जैसा कि देखा गया, बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई, इसी तरह से कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं। कोलकाता उत्तर से सीपीएम की जो कैंडिडेट हैं कनिका घोष, वो एक बूथ के सामने धरना देने लगी। उनका ये आरोप था कि सीपीएम के जो एजेंट हैं उनको जो है मारा पीटा गया है, बूथ में घुसने नहीं दिया गया है। और भी वोटर्स यहाँ पर लाइन में लगे हैं, इनसे बात करने की अगर हम कोशिश करें। आप बताइए कि आप फर्स्ट टाइम वोटर लगते हैं मुझे, आप बताइए कि इश्यूज़ क्या है, मुद्दा क्या है कलकत्ते का? बेसिकली दिस इज माई फर्स्ट टाइम, राइट? आई डोंट नो दैट मच। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं और ये अभी तक खुद इन्होंने, इनका ये कहना है कि इन्हें पता नहीं है राजनीति के बारे में ज़्यादा। हालांकि पश्चिम बंगाल में जो हमने राजनीति का दौर देखा इस फेज के पहले, जो अमित शाह की रैली में मूर्ति टूटने के बाद से राजनीति उस पर लगातार चलती रही, प्रचार के लिए भी एक दिन का समय कम कर दिया गया था नेहा, तो इन सब चीज़ों की छाप जो है पश्चिम बंगाल पर देखने को मिली है। बिल्कुल, और हर बार हम देख रहे हैं 6 के 6 चरणों में ऐसा हुआ है कि जबरदस्त वोटर टर्नआउट रहा है। सातवें चरण में किस तरह की तस्वीर आती है उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन मैं जरा जल्दी से रुक करना चाहूंगी डायमंड हार्बर सीट का, ये भी काफी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो यहां से चुनावी मैदान में अपना वोट डाल चुके हैं। अमित हमारे संवाददाता वहां मौजूद है। अमित, इस वक्त आप कहां हैं और कैसा माहौल आपको वोटर्स के बीच दिखाई दे रहा है? जी नहीं, हाँ, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये काफ़ी वीवीआईपी सीट है क्योंकि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी। अब तक ये तस्वीरें महिलाएं जो है वोट करके आ रहे हैं। आप एक बार रुकिए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या आपने, कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए? नेहा, यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ हिंदी समझ में नहीं आता है। ये बताइए, हिंदी समझ में आती है आपको? तो ये बताइए कि जो जब आप वोट करने यहाँ पहुँचे हैं तो कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए, क्या सोचकर आप वोट कर रहे हैं? ये तो पर्सनल मैटर है। वोट कुछ कर रहे हो, क्या सोच? वोट तो किसी को देना ही है। किसको देना ये नहीं पूछ रहा, क्या सोच रहे, कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए? मतलब देश के देखभाल के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हमको चाहिए।
तो नेहा, यहाँ लोग कुछ जो वोटर हैं वो खुल के बोल नहीं रहे। मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ के दिखाना चाहूँगा। आप देखिए सीधी तस्वीरें, बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। किस जिस तरीके से हिंसा हुई बीते 6 फेजों में, फिलहाल डायमंड हार्बर में आज सुबह से किसी कहीं से भी हिंसा की खबर नहीं आई है, क्योंकि QRT की टीम लगातार, क्विक रेस्पॉन्स टीम जो है वो लगातार गश्त लगा रही है, और बीएसएफ के जो जवान हैं और कहीं CISF है, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो बूथ के अंदर मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है। मैं एक तस्वीरें आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहूंगा, काफी ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, तो यहाँ पर बीएसएफ के जवानों ने खुद यहाँ पर वोटरों के लिए ये पानी का पैकेट का व्यवस्था किया है, क्योंकि लोग यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं काफी ज्यादा उन्हें प्यास भी लग रही है। आप देखिए यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने वोटरों के लिए यहाँ पर कुर्सियां भी लगवाई, क्योंकि अंदर जो है इस स्कूल के अंदर बूथ है, बूथ में जब लाइन सुरक्षा बलों को देख पा रहे हैं बल्कि हमें महिलाएं दिखाई दे रही हैं। आपने बताया गर्मी से बचने के लिए किस तरह पानी के इंतजाम, और जाहिर सी बात है भाषा वहां पर एक मुद्दा, लेकिन एक बुजुर्ग जिनसे आप बात कर रहे थे उन्होंने कहा देश की जो सुरक्षा कर सके, देखभाल कर सके, उसे वोट देंगे, कोई हिंसा ना हो लोग ये उम्मीद करेंगे। पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इसमें बंगाल की 9 सीटों से ज्यादा निकल करके जल्दी से हम पंजाब का रुख करते हैं, क्योंकि पंजाब वो राज्य है जहां 13 की 13 सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं हमारी इस वीडियो वॉल में प्रियंका कांडपाल हमारे साथ भटिंडा से जुड़ गई है। प्रियंका, जबरदस्त लड़ाई है वहां, हरसिमरत कौर बादल, अमरिंदर सिंह राजा और बलजिंदर कौर के साथ साथ सुखपाल सिंह खेरा पंजाब एकता पार्टी के जो हैं, आप जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां किस तरह का उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है? क्या आप किसी पोलिंग बूथ पर हैं प्रियंका? जी बिल्कुल, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बादल गांव में हम मौजूद हैं। बादल गांव वही जगह है जहाँ पर जो सारे बादल हैं वो रहते हैं, हरसिमरत कौर यहाँ पर रहती है, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, उन्हीं के पोलिंग बूथ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन तस्वीरें अगर हम आपको पोलिंग बूथ के दिखाएं तो ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वोटर्स यहाँ भारी संख्या में नजर नहीं आ रहे हैं। एक मिनट आपके पास आऊंगी। शालिनी यादव, मुझे लग रहा है वाराणसी से जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैंडिडेट है शालिनी यादव, उन्हें हम देख पा रहे हैं, विक्रांत उनसे बात कर रहे हैं। जी विक्रांत, के बावजूद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी ये समस्याएं जिसकी तस रह गई। दूसरा, प्रधानमंत्री के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नहीं इन समस्याओं को एड्रेस कर पाए तो कौन कर पाएगा? बीजेपी, लेकिन मैम ये कह रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ से जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, जीते तो वो हुए हैं, सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहे हैं कि कितने रिकॉर्ड से वो जीतते हैं। देखिए, इस बार बनारस जो है वो 1977 का इतिहास दोहराने जा रहा है। यहीं के थे वो सपूत राज नारायण जी, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को जाकर के हराया था, इसलिए गठबंधन ही जैसे कि स्वीप कर रहा है उत्तर प्रदेश से, एक नया प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है और एक बनारस की धरती इतिहास बनाने वाली है। मैम आखिरी सवाल, ये बाबा की धरती है, बाबा विश्वनाथ की धरती है, यहाँ से प्रधानमंत्री सांसद भी हैं, आज वो बाबा के स्थान केदारनाथ बद्रीनाथ वहाँ पे गए, ध्यान लगाया, कोई मैसेज वो देना चाहते हैं वहाँ पे, क्या लगता? मैं देखिए, धर्म पे किसी की आस्था पर मैं नहीं चाहती कि कोई टिप्पणी होनी चाहिए, इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। हम सभी रोज अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपनी सफलता के लिए हम लोग हाथ जोड़ के दुआ मांगते हैं और वो सभी लोग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पर हमें कोई टिप्पणी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, वाराणसी। तो वाराणसी से आप महागठबंधन की जो उम्मीदवार है शालिनी यादव, उनको सुन रहे थे, उनका मुकाबला सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और कांग्रेस पार्टी के अजय राय भी वाराणसी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते हुए एक बार जल्दी से फिर से प्रियंका आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जी आप बता रही थी बादल गांव में आप मौजूद हैं, और किस तरह का माहौल वहां पर? जी बिल्कुल, आपको फिर से तस्वीरों में दिखाते हैं नेहा कि यहाँ वोटर्स से ज्यादा जो है वो सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं, पुलिस भारी संख्या में नजर आ रही है, पर वोटर यहाँ से नदारद है। जबकि ये बादल गांव है जहाँ से तीसरी बार हरसिमरत कौर इलेक्शन लड़ रही है और ये गढ़ रहा है बादलों का, पर वोटर्स में अभी बिल्कुल भी जोश यहाँ नजर नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का संख्या में ही वोटर्स बाहर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन हम बाकी भटिंडा की अगर बात करें, हम पॉश कॉलोनीज में भटिंडा की घूम कर आए हैं जहां पर सुबह सुबह लंबी कतारें लगी हुई थी, यहां पर तस्वीर बिल्कुल इसके विपरीत है। सीट की बात करें नेहा तो कड़ा मुकाबला दे रहे हैं अमरिंदर सिंह राजा, जो यहां से लड़ रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, विधायक रहे हैं, और ऐसे में वो कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आ रहे हैं। हरसिमरत कौर से जब बातचीत सुबह हुई तो उन्होंने बोला कि आज का दिन बेहद खास है, वो पहले अरदास करना चाहती है, पाठ करना चाहती है, उसके बाद वो पोलिंग बूथ पर आएंगी। और लोकल से जो यहां पर हमारी बातचीत हो रही है उनका कहना है कि गांव का रुझान वोटिंग का इसी तरीके का रहता है कि पहले बादल परिवार आके यहां वोट करता है, उसके बाद